नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अभी की महत्वपूर्ण खबर, देश के तमाम राज्यों के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। सारा खबर हम आपको बताए उससे पहले, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, आपको बताते चले, आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रधान ने केंद्र सरकार को जो है कि पत्र लिखकर जो है कि जवाबदेही तय करने की हिदायत दी है। केंद्र को जो है कि लताड़ा है और केंद्र सरकार को जो है कि मजबूर होना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है कि सवाल खड़े किए हैं। आपको बताते चले कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो है कि हलफनामा दायर करने का आदेश, बिहार के चीफ सेक्रेटरी सहित तमाम जो है कि राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्र सरकार के जो है कि पहल पर, हलफनामे पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। आपको बताते चले कि मानदेय वृद्धि सेविका सहायिका को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने गहरी चिंता व्यक्त की। WHO के प्रधान ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर यह मांग किया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता के मानदेय में तत्काल 18,000 वृद्धि किया जाए एवं उन्हें EPF के दायरे में लाकर EPF का लाभ प्रदान किया जाए। एक तो ये लोग महिला की श्रेणी में महिला लोग हैं, ऊपर से जो है कि कार्य बोझ इतना अधिक है कि दिन रात जो है कि ये लोग कार्य करते रहते हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का संचालन भी ये लोग करते हैं और उसमें जो है कि इनको कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ भी नहीं मिल रहा है, जिससे इनकी भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसको लेकर जो है कि उच्चतम न्यायालय और WHO के प्रधान के द्वारा जो है कि गहरी चिंता व्यक्त करते हुए इनको जो है कि पत्र लिखकर अब जो है कि ये लोग मजबूर होकर हलफनामा दायर करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये लोग वेतन वृद्धि करेंगे। अब राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों से इनको प्रोत्साहन राशि प्राप्त होती है। अब प्रोत्साहन राशि में जो है कि दोनों वृद्धि करेंगे तब ये लोग जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आ सकेंगे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देश के अलग अलग राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका आशा कर्मी को वर्तमान में दिए जाने वाले मानदेय को तुरंत वृद्धि करने की अनुशंसा केंद्र को सौंप दिया है। केंद्र सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बताया है कि केंद्रीय सरकार लगातार आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय वृद्धि कर उन्हें EPF के दायरे में लाने का प्रयास कर रही है और इस कड़ी में केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को अपना प्रतिनिधि का चयन कर सरकार के साथ जो है कि मीटिंग में भाग लेने का निर्देश दिया है ताकि केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन राशि में वृद्धि कर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रोत्साहन राशि और दोनों में वृद्धि कर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी का मानदेय जो है कि 12,000 से अधिक किया जा सके और प्रोत्साहन राशि आदि में इतना वृद्धि किया जा सके जिससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व आशा कर्मी को जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में लाने के प्रयास जो है कि केंद्र सरकार कर रही है। और केंद्र सरकार का कहना है कि हमने जो है कि राज्य सरकारों को प्रतिनिधि मनोनीत करने के लिए जो है कि पत्र लिखा है, किंतु जो है कि अब इसमें ज़्यादा जो है कि झोलमेल नहीं चल सकता क्योंकि सीधा इसका मॉनिटरिंग जो है कि सुप्रीम कोर्ट शुरू कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है कि दिया जाने वाला पत्र अब जो है कि इनको मजबूरी में जो है कि मजबूर कर देगा सरकार को। इनको वेतन वृद्धि करना ही होगा, ज़्यादा दिनों तक अब ठंडे बस्ते में फाइल को नहीं रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अहम भूमिका होती है और जो है कि सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय होते हैं, इनकी आदेशों की अवहेलना कोई भी सरकार नहीं कर सकती है और विश्व स्वास्थ्य संगठन और उच्चतम न्यायालय के जो है कि पत्र और परामर्श के आधार पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका आशा कर्मी का वेतन जो है कि 12,000 से अधिक और अधिकतम 18,000 तक करना जो है कि पड़ेगा इनको, क्योंकि जो लगातार जो है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और उच्चतम न्यायालय जो है कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन जरूरी है, इसलिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व आशा कर्मी के मानदेय में वृद्धि करने पर केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त हो चुकी है व राज्य सरकारों की सहमति ली जा रही है।
आपको बताते चले कि विश्व स्वास्थ्य संगठन उच्चतम न्यायालय ने भी आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को 12,000 से अधिक और 18,000 तक मानदेय दिए जाने पर जो है कि अपनी सहमति दिया है एवं जो है कि तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व आशा कर्मी को जो है कि कर्मचारी भविष्य निधि में के दायरे में लाने का जो है कि पत्र केंद्रीय सरकार को लिखा है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकारों को दिया है किंतु राज्य सरकारें लगातार जो है कि बहाने बनाकर समय की मांग करती आ रही है जिससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका व आशा कर्मी प्रताड़ित हो रही है और इसका जो है कि पूरा जो है कि हिसाब सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन अब ज़्यादा दिनों तक आशा कर्मी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और जो है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय में जो है कि वृद्धि को रोका नहीं जा सकता क्योंकि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि इसका समीक्षा शुरू करने जा रही है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो है कि इसमें एंट्री हो चुका है। आपको बताते चले कि जो है कि देर ही सही लेकिन जो है कि आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और का वेतन वृद्धि हो कर रहेगा। इसमें अब कहीं से कोई जो है कि किंतु परंतु इफ बट लेकिन नहीं है कि तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ।